भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में बड़े स्तर पर 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, जिसके बाद झाबुआ और अब रतलाम में भी ड्रग्स पकड़ी गई है। वहीं प्रदेश में लगातार ड्रग्स पकड़े जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के जिला महामंत्री प्रिंस सिंह द्वारा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इतने बड़े पैमाने में ड्रग्स पकड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सरकार ने युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया, नशे में जरूर झोंक दिया। इस प्रकार लगातार मध्य प्रदेश में ड्रग्स की घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स की घटना पकड़ाई जानी, 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स, उसके बाद झाबुआ में, झाबुआ के बाद रतलाम में, रतलाम के बाद मंदसौर में। मोदी जी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी का कहना था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार की जगह 2 करोड़ युवाओं को नशे में ढकेलने का काम हर दिन करते जा रहे हैं और लगातार करने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री निवास से 40 किलोमीटर की दूरी में फैक्ट्री थी, वहां से 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी कार्यवाही बाहर की एजेंसियों द्वारा की गई। क्या यहाँ का प्रशासन सो रहा है? मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? मुख्यमंत्री जी जवाब दें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।